और बताइए विनोद जी, और आप आपकी दुकान में और इससे एक्स्ट्रा फोनों को ठीक करना या फिर एलईडी बल्ब को ठीक करना या फिर कोई नए आविष्कार, क्या आपने कभी किसी मिस्त्री की जरूरत पड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं जी, यानी कभी भी आपको किसी भी मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ी। मैंने 8 साल से, मैं छोटे से काम से लगा था, आज मैंने इतना कारोबार छेड़ रखा है तो मैं मेरे दिमाग से काम कर रहा हूँ। यानी ये खुद के दिमाग से ही कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा वो कहा जा सकता है संघर्ष। यानी किसी भी मिस्त्री की, किसी भी मैकेनिकल की विनोद जी को कभी जरूरत नहीं पड़ी। और ये बताइए, इस दुकान से पहले आप यह कार्य कहाँ करते थे? ये कार्य मैं घर में करता था, घर पे। यानी घर पे रहकर एक छोटे से कोने के अंदर इसको प्ररूप दे के ये छोटा सा कार्य धीरे धीरे ये संघर्ष के साथ करते रहे और धीरे धीरे अपने दिमाग को चलाते रहे, और उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे इसके अंदर इंटरेस्ट लेके उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यही बात विनोद जी? हाँ जी। और ये बताइए, इन फोनों को ठीक करना या फिर एलईडी बल्ब का आविष्कार, एलईडी बल्ब को ठीक करना या फिर बैटरी का आविष्कार करना, इससे एक्स्ट्रा भी आपकी दुकान में आप और क्या करते हैं? जी मैं सभी काम करता हूँ, जैसे कि ये अपना MP3 है, ठीक है, इसकी कई बार पुर्जे डैमेज हो जाए हैं तो MP3 ठीक करने का भी मैं काम करता हूँ। MP3 मैं ही ठीक करता हूँ, बाकी वैसे कोई नहीं करता। यानी ये गांव के अंदर MP3 जो ठीक करने का कार्य है वो विनोद जी ही करते हैं। विनोद जी अपनी ये दुकान है किस नेम से है? ये बिश्नोई मोबाइल गैलरी। बिश्नोई मोबाइल गैलरी। ओके, तो विनोद जी ये बताइए, जैसे मैं कुछ आइटम आपकी ये देख रहा हूँ, जैसे चार्जिंग की है या फिर लीड है या फिर डाटा केबल है या फिर कोई एक्स्ट्रा सामान जैसे बूफर वगैरह लीड रखी है, इन सामान को जोड़ने के लिए आपको कितने समय लगा? इनको लग गया मेरे को 1 साल का करीब लग गया, 1-2 साल का करीब लग गया। यानी दो साल इनको इस सामान को जोड़ते जोड़ते लोग। ये बताइए फिर, जैसे कोई भी चार्जर आप किसी भी ग्राहक को देते हैं तो उसका फिक्स प्राइस भी दे रहे हो या फिर उसको छूट करके देते हैं आप? तो छूट तो इस तरह है नहीं, तो ये मान के चलो कुछ तो कमाना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मान सकता हूँ मैं ये बात। हाँ, तो मतलब मैं ज्यादा रेट में देता हूँ सभी को, मतलब रेट भी जो इनका वो जेन्युइन रेट के अंदर यहाँ ग्राहकों को सामान अच्छे तरीके से दिए जाने का जो कार्य है वो विनोद जी कर रहे हैं। विनोद जी अब हमें ये बताइए, शुरू से आखिरी तक, मतलब इसके माध्यम से शुरू जहाँ से आपने शुरुआत की थी उसके माध्यम तक बीच तक यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफर रहा है, उस सफर के बारे में हमारे दर्शक साथी जानना चाहते हैं कि आपने इस सफर के बीच में कैसे और कहां से शुरुआत की और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक आप ले आए? तो देखो जी, इस तरह बात है, मैं पहले छोटे से कोने में काम करा करता। बिल्कुल, जैसे कि अपना छोटा काउंटर होया करता, छोटा सा मामूली सा, उस पर काम करा करता। तो करते करते मैंने फिर सोचा कि थोड़ी छोटी मोटी दुकान कर लें, तो मैंने दुकान की वहाँ वहाँ से करके कुछ कुछ ना कुछ है। तो दुकान काटी, फिर मैंने बिना के बाद में सामान का कोई सिस्टम कराया है, सामान ले आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब छोटे फोन ठीक करते हैं, बड़े को भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर मैं बड़े को भी मैं ठीक करने लग्या, जैसे भी कुछ भी रिपेयरिंग हो, कुछ भी काम हो वो करने लग्या। तो जैसे कि मानो आज मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ, बहुत संघर्ष किया मैंने यहाँ तक आने के लिए, तो ये काम छेड़ा मैंने। तो मेरे ऐसे है वह भिन्न है कि बन जाते हैं 5-6 हज़ार कर लेता हूँ। देखो 5-6 हज़ार की इनकम अब विनोद जी जिस प्रकार एक छोटे से कार्य को इन्होंने आरंभ किया था और उस कार्य को आरंभ करने के बाद में आज इनकी इनकम 5-6 हज़ार इसी दुकान के माध्यम से ये चला रहे हैं। तो ये देखिए, विकलांग होते हुए भी संघर्षशील आदमी, विकलांग होते हुए भी इतना संघर्ष, इसलिए मित्रों कहा जा सकता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो ये देखिए कितने जबरदस्त हौसले विनोद जी के कहा जा सकता है। तो दर्शक साथियों, इस विनोद के लिए आप कुछ इनकम स्रोत आप खुद भी करवा सकते हो, आप इसकी दुकान पर आ सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या विनोद ने किया है और क्या क्या आगे ये करने वाला है। थैंक यू विनोद जी।